तो हे गाइस, कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, क्लोबेटा मिल जी क्रीम का रिव्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो क्रीम है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और इस पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा कि ये आपके चेहरे को 7 से 10 दिन में आपके चेहरे को गोरा बनाती है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स है, एक्ने पिंपल्स के मार्क से आपको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मलेजमा की प्रॉब्लम है, आपको फाइन लाइन की प्रॉब्लम है, आपको विंकस की प्रॉब्लम है, आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। तो गाइस, एक्चुअल में इस क्रीम की क्या सच्चाई, क्या ये हमारी स्किन के लिए सेफ है? अगर सेफ है तो इसको किस प्रोसेस से हमें यूज करना चाहिए, कितने टाइम तक हम इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, कौन सी एज वाले इस क्रीम को यूज में ले सकते हैं, कौन सी स्किन वाले इस क्रीम को यूज में ले सकते हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपने ये सोच लिया कि आपको इस क्रीम को यूज करना ही है, आप भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और गोरा बनाने के होड़ में तो बहुत से लोग पड़े रहते हैं ना, सबको यूज करना होता है, तो आपने सोच लिया तो प्लीज इस वीडियो को 3 मिनट जरूर दीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ गाइस। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है smileyteam07। 24 आवर आपकी हेल्प के लिए मैं वहां पर रेडी हूँ गाइस। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें वहां पर बेशक मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। और गाइस, जो मैं हेल्प करता हूँ क्लियर आउट होने के बाद, बस आपको एक दिन का खाना उन लोगों को देना पड़ेगा जिनको वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो गाइस, आप एक छोटा सा काम जरूर करोगे, मुझे पता है। तो गाइस, अब चलते हैं वीडियो की टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में। तो गाइस, जो क्लोबेटा मिल जी जो क्रीम, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें क्लोबेटा सोल 0.05% एंड इसमें जेंटामाइसिन 0.1% डाला गया है, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो क्रीम है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ना कि स्किन व्हाइटनिंग के लिए। तो अगर आपका ये भूत चढ़ा हुआ ना स्किन व्हाइटनिंग के लिए इसको यूज करना है, हाँ ये बात सही है कि ये आपके चेहरे को गोरा कर देगी, लेकिन आपको साइड इफेक्ट भी खतरनाक हो सकते हैं। देखिए गाइस, मेरा खुद का चेहरा देख लीजिए। देखिए, अगर आप ऐसी क्रीम यूज करते हो तो आपको 100% साइड इफेक्ट होगी। आपको बिना सोचे समझे कोई भी क्रीम या फिर ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसी होम रेमेडी अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि होम रेमेडी से साइड इफेक्ट नहीं होते, उससे भी होते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो पहले आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जान लीजिए, उसके बाद ही कुछ प्रोडक्ट यूज कीजिएगा। थैंक यू।